मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सुपुत्री सारा तेंदुलकर और बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर दोनों ही एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अक्सर दोनों को सोशल मीडिया पर साथ में देखा जाता है और दोनों खूब मस्ती मजाक करती नजर आती हैं। पर इस बार ये दोनों सुर्खियों में तो आई हैं, लेकिन अपनी किसी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि अपनी लड़ाई की वजह से। जी हाँ, इन दिनों दोनों के बीच लड़ाई छिड़ रही है, वो भी सिर्फ एक अभिनेता को लेकर। जी हाँ, दोनों ही खूबसूरत अदाकाराएं एक अभिनेता के लिए लड़ रही हैं, पर आखिर कौन से है वो अभिनेता, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर काफी एक्टिव रहती हैं। स्टार बल्लेबाज शुभम गिल को डेट करने के मामले में भी उनकी चर्चा होती रही है, पर इस बार ये अपने दोस्त से झगड़े की वजह से चर्चा में आई है, जिसकी वजह है शिखर पहाड़िया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया को सारा तेंदुलकर के साथ देखा गया है। इस तस्वीर को देखकर जाह्नवी कपूर आग बबूला हो गई है। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर को अनफॉलो कर दिया है। सारा तेंदुलकर ने अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को जवाब में अनफॉलो कर दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों के संबंध की चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में कॉफी विद करण 8 में जाह्नवी कपूर ने बातों ही बातों में शिखर पहाड़िया संग डेटिंग लेकर कन्फर्म कर दिया। इन सबके बीच जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया हाल ही में शुभम गिल की र्यूमर गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर के साथ स्पॉट हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पार्टी करने के बाद दोनों एक ही गाड़ी में साथ नजर आए। ऐसे में फैंस ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि आखिर शिखर सारा के साथ क्या कर रहे हैं। खबरें हैं कि जाह्नवी कपूर ने सारा तेंदुलकर को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है, जबकि जाह्नवी और सारा एक दूसरे के पोस्ट लाइक करती थी, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। बता दें कि हाल ही में कॉफी विद करण 8 में जाह्नवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो शिखर पहाड़िया को प्यार से शिखू बुलाती हैं, तो शिखर अक्सर उनके लिए नादान परिंदे घर आजा गाना गाते थे। वहीं बात करें सारा तेंदुलकर की, तो उनका नाम भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल से जोड़ा जा रहा है। सारा अक्सर शुभम के पोस्ट लाइक करती है। हालांकि इस रिश्ते पर दोनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।